कोविड संक्रमण के चलते 31 जनवरी तक स्कूलें खोलने को लेकर शासन स्तर से लगी पाबंदी खोलने को लेकर शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं होने से स्कूलें खुलने पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी को देखते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन दिया। एसोसिएशन के ब्लॉक अध्यक्ष मनदीप सिंह भाटिया ने बताया, जब सारी आर्थिक गतिविधियां एवं आयोजन सुचारू रूप से जारी है तो फिर स्कूलों पर पाबंदी से कोरोना की क्या रोकथाम होगी। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि संस्थाओं का वर्तमान समय तक का आरटीई का लंबित भुगतान शीघ्रता से किया जावे। मान्यता नवीनीकरण हेतु संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा अमान्य किए गए स्कूलों का मान्यता नवीनीकरण किया जावे। मान्यता नवीनीकरण में शेष रहे विद्यालयों को एक मौका और दिया जावे। ज्ञापन देने हेतु ब्लॉक के समस्त विद्यालयों के संचालक उपस्थित हुए। झिरनिया से सुखदीप सिंह भाटिया की रिपोर्ट। जो ये ज्ञापन दिया गया है, आपको क्या आशा है इनसे कि आप ये जो मांग आपकी पूरी होगी या कैसे आपको आप समझाइए? वर्तमान में कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। आज हम मांग करते हैं शासन से कि वर्तमान में भी जो स्कूलें बंद हैं उनको समय रहते खोल दिया जाए, और साथ ही साथ हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनकी मान्यता नवीनीकरण अभी तक नहीं हो पाई है, किन्हीं कारणवश वह पेंडिंग चल रही है, तो हम यह भी डिमांड करते हैं कि मान्यता नवीनीकरण भी हो। साथ ही साथ हमारा आरटीई का जो पेमेंट का भुगतान है वो लगभग 2011 से कुछ साथियों को अब तक नहीं मिला है, तो हम शासन से ये मांग करते हैं कि यह आरटीई का भुगतान भी वर्तमान समय तक का सभी विद्यालयों को, सभी संचालकों को शीघ्र ही प्राप्त हो। ठीक, आपका नाम? मनदीप सिंह भाटिया। आपके पास क्या बात है? ब्लॉक अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झिरनिया। ठीक है, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।